प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामपाल जाट जी, हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय देवेंद्र शास्त्री जी, सह प्रभारी राजस्थान के भाई खेमचंद जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों और विधानसभाओं से आए हुए कार्यकर्ता और वहां के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आज की इस बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज एक नई शुरुआत हम लोगों को यहां से करनी है, कैसे संगठन का विस्तार किया जाएगा, कैसे राजस्थान में पार्टी का काम करना है, हम सबके लिए खुद की आचार संहिता क्या होगी, जनता के बीच में हम किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा होनी है। अभी इसको बंद कर दो, अभी सिर्फ बैठ के बातचीत करो, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जो नगर पालिकाओं के और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होनी है, इसके बारे में आज चर्चा की जाए। विधानसभा के चुनाव के परिणाम जो भी आए, उससे लोगों के मन में निराशा जरूर हुई, लेकिन निराश होकर घर बैठना और परिणाम के बाद अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, दो परिस्थितियां हमारे सामने हैं। अगर हम चुनाव के परिणामों से निराश होकर घर बैठ जाएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी का जो सपना है, जो मिशन है, जिस विचारधारा को लेकर हम आए हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने की विचारधारा, एक ऐसा समाज जहां अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम किया जा सके, एक ऐसा समाज जहां अंतिम आदमी की पीड़ा को हम लोग समझ सके और उसको दूर करने के लिए संघर्ष कर सके, ये जो हमारा सपना है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, अगर हम खामोश बैठ गए, निराश हो गए, तो ये सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम सबको संकल्प लेना है, प्रण करना है कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे हो, राजस्थान के लोगों के हक और अधिकार के लिए आम आदमी पार्टी सबसे आगे बढ़कर संघर्ष करेगी, लड़ाई करेगी जनता के मुद्दों पर उनके साथ। और अगर आप दूसरी राजनीतिक दलों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको अपने आप में एक परम संतोष का अनुभव होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, 2011 में अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ, आज 2019 है, यानी 8 साल हुए। और पार्टी का गठन आपने कब किया? 26 नवंबर 2012। पहला चुनाव आप कब लड़े? 2013। दूसरा दिल्ली का विधानसभा का चुनाव कब लड़े? 2015। एक लोकसभा का चुनाव कब लड़े? 2014। यानी आपका जो सफर है राजनीतिक पार्टी का, ये कुल मात्र 7 वर्षों का सफर है। कितने सालों का? और इन 7 सालों में आपने किया क्या है? इन 7 वर्षों में दिल्ली के अंदर एक बार नहीं, 2 बार आपने सरकार बनाई और 2015 में प्रचंड बहुमत।
इन 7 वर्षों में आपने ये किया है कि पंजाब में 4 आपके सांसद जीत के आए और 2017 में पहली बार आप पंजाब में चुनाव लड़ने गए थे तो पंजाब की जनता ने 22 विधायक जिताकर आपको प्रमुख विपक्षी दल पंजाब के अंदर बनाया। गोवा जैसे सुदूर राज्य में, गोवा जैसे सुदूर राज्य में आप चुनाव लड़ने के लिए गए तो वहां आपको जनता ने 6.2% वोट दिया, यानी एक राज्य में किसी भी पार्टी के लिए मान्यता प्राप्त होने के दल के तौर पर जो प्रतिशत चाहिए वो जनता ने पहले बार में चुनाव कर दिया। उत्तर प्रदेश में आप गए चुनाव लड़ने नगर निगम नगर पालिका का 50% पहले चुनाव में जीत किया है, 2 वहां के चेयरमैन जीत किया। इस बीच कुछ चुनाव हम लोग ऐसे भी लड़े जिसमें निराशाजनक परिणाम आए। 2014 का जब हमने चुनाव लड़ा तो 430 में से 409 लोगों पर जमानतें जब्त हो गई। लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी को खत्म हो गई, हमारे अच्छे मित्रों ने साथियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, बोले आप पार्टी बंद, अब जाओ घर अपने आप आराम करो। यानी जिसको कहते हैं आपका मीडिया वालों ने तो मर्सिया पढ़ दिया कि ये पार्टी खत्म हो गई। यह अलग नहीं किया, लेकिन 2015 में जब आप दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे प्रचंड बहुमत से जीतने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब हम राजस्थान का चुनाव लड़ने आए, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने आए, छत्तीसगढ़ का चुनाव हमने लड़ा, निश्चित रूप से परिणाम बहुत निराशाजनक रहे। 1% से कम वोट आया, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन एक पार्टी के तौर पे, एक राजनीतिक संगठन के तौर पे, आपने राजस्थान की लगभग सारी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़े किए। ये कोई मामूली उपलब्धि आपके लिए नहीं है, कोई छोटी उपलब्धि नहीं। जिन संगठनों की आज आप चर्चा करते हैं, जिन संगठनों को आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में वो पार्टी सत्ता में आ गई, कभी उनका इतिहास पढ़ा है, कभी उस संगठन के बारे में जानने की कोशिश की है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना मालूम है आपको? कब बना? 1925। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक संगठन जो बना उसका क्या नाम था? 27 सालों के बाद पहला चुनाव लड़ा और चुनाव के परिणाम क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 1952 में जब जनसंघ बनी और जब पूरे देश में चुनाव लड़े तो उनके कितने सांसद जीत के आए थे? 3। 1957 में कितने जीत के आए थे? 5-4। 1962 में कितने जीत के आए थे? 14। 1967 में कितने जीत के आए थे? 35। 1971 में कितने जीत के आए थे? 22। 1977 में जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में और जनता पार्टी की सरकार बनी और 19 में फिर से भारतीय जनता पार्टी बनी जो जनसंघ का एक नया राजनीतिक स्वरूप था। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आई थी? मात्र 2 सीट। 1984 में मात्र 2 सीट। 1989 में 85 सीट, 1991 में 120 सीट, 1996 में 161 सीट, 1998 में 182 सीट, 1999 में 182 सीट, 2004 में 138 सीट, 2009 में 116 सीट, 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीट। यानी 25 से लेके 2019 तक में कितने वर्ष हो गए? कितने साल हुए? 94 साल। कितने साल? 94 years।
तीन पीढ़ियों की पार्टी, तीन पीढ़ियों के बाद आज वहां पहुंचे और हमारी पार्टी को कितना समय हुआ? 7 साल। और 7 साल में हम क्या होते हैं? उदास भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो ऐसा युद्ध करने लगते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि यही सारा युद्ध जीत लिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि धैर्य से अपने विचारों के रास्ते पर चलते हुए, अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करते हुए, अपने संगठन का विस्तार करते हुए, राजस्थान के गांव गांव में जाकर पार्टी का प्रचार करके, लोगों को जोड़ के, सदस्यता का अभियान चला के, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का मुद्दा उठा के हम राजस्थान में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये आत्मविश्वास है, क्योंकि जब हम 2013 में पहला विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ रहे थे तो लोग हमको देखकर हंसते थे और ये कहते थे इनकी 2-4 सीटें आ जाए तो बहुत है, बाकी तो इनकी जमानतें जब्त हुई। और 15 साल के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव कराया। उस क्षेत्र में जब लोग प्रचार करने के लिए जाते थे तो वहां पर मंत्रियों का घर होता था, वहां पर सांसदों का घर होता था, नई दिल्ली के इलाके में बड़े बड़े बंगले होते थे, हमारे कार्यकर्ताओं को लोग घरों में घुसने नहीं देते थे, लेकिन उनका मालिक निकल कर आता था, उनका ड्राइवर निकल कर आता था, उनके घर पर काम करने वाला मजदूर निकल कर आता था, जेब से 50 रुपए हमारे कार्यकर्ता के हाथ में देता था और कहता था केजरीवाल जी से कहना इस यज्ञ में हम उनके साथ। लोगों ने जनता भी दिया, वोट भी दिया। और पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ 3 बूथ को छोड़कर बाकी सभी बूथों पर शीला दीक्षित से चुनाव जीते, 15 साल के मुख्यमंत्री। ऐसे ही राखी बिड़ला, ऐसे ही अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, प्रकाश जाधव, ये तमाम वो लड़के जिनका राजनीतिक कोई अनुभव नहीं था, जिनके घर में ग्राम प्रधान भी नहीं थे, जिनके यहां राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था किसी का, जिनके जेब में चुनाव लड़ने के लिए 10 रुपए नहीं थे, उनको लोगों ने चंदा भी दिया, प्रचार भी किया, वोट भी किया, चुनाव जिताया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जनता जब विश्वास करती है, जनता का विश्वास जीतने में जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं होती, जनता आपको चुनाव लड़ाती है और जनता आपको चुनाव जिताती है। ये आपने दिल्ली में कर दिखाया है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा वातावरण बन गया था जब लोगों का यकीन और भरोसा देश की राजनीति से खत्म हो गया। लोग कहने लगे थे बगैर धनबल के राजनीति नहीं हो सकती, बगैर बाहुबल के राजनीति नहीं हो सकती, बगैर पैसे के तो राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे समय में जनता ने कहा नहीं, हम आपके साथ खड़े। तो 7 वर्षों में सबसे पहले तो इस बात के लिए ताली बजाकर देश की जनता का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा समर्थन दिया है, कोई काम जरूर नहीं है। इससे निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आगे हमको क्या करना है राजस्थान के, आगे कौन सी दिशा हम लोगों को तय करनी। पहली बात तो आज से हमारा आपका एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है राजस्थान के प्रभारी के तौर पर और पार्टी के एक साथी के तौर पर। लेकिन मैं कुछ चीजें बहुत पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रभारी का मतलब यह नहीं कि मैं कोई आपके ऊपर यहां पर हुकुम चलाने के लिए आया हूं, एकदम नहीं। प्रभारी का मतलब यह भी नहीं कि मैं आपके ऊपर कोई विचार, कोई चीज थोपने के लिए आया, बिल्कुल नहीं। प्रभारी का मतलब यह भी नहीं कि मैं कोई अतिरिक्त सम्मान आपसे हासिल करने के लिए आया, बिल्कुल नहीं। प्रभारी का मतलब एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक साथी के तौर पे, और जो भी अब तक अनुभव मैंने राजनीति में ग्रहण किया है उस अनुभव को आपके साथ शेयर करके राजस्थान में एक मजबूत संगठन का
राजनीतिक विप्लव है। इसलिए आज से दो तीन चीजें साफ हो जानी चाहिए। जब जैसे मैं अभी इस कमरे में आया तो मैंने पीछे लगा हुआ ये बैनर देखा। अब इस बैनर को देख के मुझे खुश होना चाहिए, इसमें बड़ी सी आपने हमारी फोटो लगा रखी है और रामपाल जाट जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी छोटी सी फोटो लगा रखी है। ऐसे आगे हम लोगों को काम नहीं करना है। जो आपके प्रदेश के चेहरे हैं, जो आपके प्रदेश के संगठन के अगुवा हैं, उनको आगे कीजिए, उनका सम्मान बढ़ाइए, उनके साथ मिलकर मैं काम करूंगा। आगे किसी भी बैनर पे मेरी इतनी बड़ी फोटो लगाने की आपकी आपको जरूरत नहीं है। लगाइए या न लगाइए, लेकिन जो आपके प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनकी फोटो उनके 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 चेहरे बैनर पर दिखने चाहिए। एक चीज तो आज से है। दूसरी बात, आपके सम्मान का मैं सर झुका के स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी माला, इसमें कम से कम 1,500 रुपए आपने खर्च किया हो, गलत तो नहीं कह रहा हूं? किया ना? अगर ये 1,500 रुपए जयपुर के पार्टी के लिए आप खर्च करते तो मेरे ख्याल से पार्टी का ज्यादा भला होता। अब आपने पहनाया, मैं मना भी नहीं कर पाया। अब इसकी फोटो भी खींची आपने, अब इसको फेसबुक पे भी डालेंगे तो लोग क्या नीचे लिखेंगे? पूरी तरीके से चुनाव हार गया, इतना बड़ा माला लेके स्वागत करा, कहेगा कि नहीं कहेगा? गलत तो नहीं कह रहा? तो हम लोगों को एक एक चीज का ध्यान, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना, लोगों के बीच में कैसे लेके जाना। भाई कोई राजस्थान में मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, राजस्थान में कोई मुझे विधायक सांसद तो बनना नहीं, मैं तो पार्टी का काम करने आया हूं ना। तो पार्टी के लिए जो लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं, जो यहां के प्रमुख चेहरे हैं, उनको आगे करना है, हमको कहीं आपको आगे नहीं करना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि एक ट्रेनर की भूमिका मान लीजिए, एक टीचर की भूमिका मान लीजिए, एक कोच की भूमिका मान लीजिए, एक साथी सहयोगी की भूमिका मान लीजिए, उस नाते दूसरी मेरी जिम्मेदारी है। अगर संगठन में कोई भी साथी कोई भी लापरवाही करता है तो संगठन के हित में, राजस्थान के हित में, राष्ट्र के हित में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर कोई संगठन का अहित करता है तो उसमें हमारा आपका समझौता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? तो ये चीज बहुत स्पष्ट रखिएगा। मैं पार्टी के काम में, संगठन के काम में वैसे बहुत अच्छा मित्र हूं, बहुत अच्छा साथी हूं, बहुत प्रेम से बात करूंगा, लेकिन संगठन निर्माण के काम में मैं किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, ना खुद करता हूं ना बर्दाश्त करता हूं। और इसका प्रमाण जब हम आपके साथ और आगे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे मैंने 16 साल तक फुटपाथ वालों के लिए काम किया, फुटपाथ वालों के लिए उनका संगठन बना, 10-10 रुपए उनके बीच से चलता इकट्ठा करें, उनके लिए हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, उनको उनके अधिकार दिलाने का काम किया। हजारों पटरी के गुमटी के दुकानदार आज अपनी जिंदगी बिता पा रहे हैं चैन से, उनसे पैसे नहीं वसूले जाते, इसलिए उनके लिए लंबी लड़ाई। कभी चुनाव नहीं लड़ा, उस समय अपना दिमाग में बिता के राजनीति में जाएंगे, कभी विधायक सांसद में 16 साल उनके लिए काम किया। इसलिए संगठन के मामले में बहुत अनुशासित ढंग से ही संगठन आगे बढ़ता। हमारे साथी करते क्या है, किसी से नाराज हुए तुरंत उठाया फेसबुक पे लिखा बढ़िया बढ़िया उसके बारे में डाल दिया, फिर व्हाट्सएप पे 4 कमेंट डाले उसके बारे में डाल दिया। ये हम किसको कमजोर कर रहे हैं? कभी हमने सोचा? अगर रामपाल जाट जी कमजोर होंगे तो क्या सिर्फ ये कमजोर होंगे? अगर हम इनको बदनाम करेंगे तो क्या सिर्फ हम इनकी बदनामी कर रहे हैं? अगर हम अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करेंगे तो क्या सिर्फ हम अरविंद केजरीवाल की बदनामी कर रहे हैं और अरविंद के
केजरीवाल को कमजोर कर रहे हैं, नहीं, आम आदमी पार्टी के एक एक साथी इस परिवार के सदस्य हैं। अगर हम अपने परिवार के किसी साथी के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं तो याद रखना, हम पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे। इसलिए मेरी दूसरी सलाह यह है कि संवाद का तरीका फोन को अपनाइए। संजय सिंह जी से किसी बात पर नाराज किए, फोन मिलाया, व्यस्त हूं, मैसेज कर दिया और इंतजार किया जवाब का, फोन पे बातचीत हो गई और अगर आप संतुष्ट हुए तो ठीक है, नहीं तो मिल के बातचीत हो गई, उसका कोई हल कोई समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अगर बगैर किसी से बातचीत किए संगठन के लोगों के बारे में एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करना, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा लिखना, तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति का भी, उस आपको इस बात की खुशी हो सकती है कि मैंने रामपाल जाट जी की बुराई कर दी और देवेंद्र शास्त्री जी की बुराई कर दी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आप खुद को भी कमजोर कर रहे हैं, पार्टी को भी कमजोर कर रहे हैं, राजस्थान को भी कमजोर कर रहे हैं और अपने मिशन को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जिससे नाराजगी हो, जिससे किसी भी बात की कोई तकलीफ हो, फोन मिलाइए, फोन मिलाकर बातचीत कीजिए, उनसे अपनी गलतफहमियों को दूर कीजिए। ये व्हाट्सएप बाजी, ये फेसबुक बाजी, इसको बंद कर दीजिए, इससे हमारा आपका कोई भला होने वाला नहीं। तीसरी बात, हर आदमी को अगर वो राजनीति में है या सामाजिक जीवन में है तो उसको सम्मान चाहिए होता है। ये लोग झूठी बातें करते हैं, मैं ऐसे झूठ पसंद नहीं करता जो कहते हैं अरे भाई हम तो आए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बस काम कर रहे हैं। नहीं, हर आदमी अगर कोई विधानसभा अध्यक्ष है तो चाहता है विधानसभा के स्तर से मुझे सम्मान मिले, कोई जिला अध्यक्ष है तो चाहता है जिला अध्यक्ष के तौर पर मुझे सम्मान मिले, कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो चाहता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी बात सुनी जाए, मुझे सम्मान मिले, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के को अपमानित करने में जुट जाते हैं वहां से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। और हर जिले में आप उठा लीजिए, मैं भी राजस्थान का दौरा मैंने किया नहीं है लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं, हर जिले में परेशानी पैदा करने वाले दो तीन लोग हैं, मान लीजिए दो तीन लोग होते हैं जो गुटबाजी करते हैं, जो संगठन को डिस्टर्ब किए रहते हैं, वो अपना खेमा बनाए, वो अपना खेमा, अरे खेमेबाजी किस बात के लिए। अगर एक रहोगे तो मैच जीतोगे और अगर अलग अलग रहोगे तो हारोगे। तो इसलिए एकजुटता का परिचय देना है, जो भी निर्णय हो, कई बार ऐसे निर्णय होंगे जिससे हम सहमत नहीं, लेकिन अगर सामूहिक निर्णय है, सर्वसम्मति से वो निर्णय है, मैं उससे असहमत भी हूं फिर भी हमको बाहर उसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी है, हमको अंदर उसके बारे में चर्चा करनी है और हमको उस निर्णय के साथ जाना है जो निर्णय सामूहिक तौर पर लिया जाएगा। मैं चाहता हूं अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो हाथ उठाकर इसका समर्थन कीजिए, जो भी सामूहिक निर्णय होगा उसका हम लोग साथ देंगे। व्यक्तिगत आपस में लड़ाई झगड़ा है। चौथी बात, अब आगे हमको क्या दिशा लेनी है, कैसे हमको आगे काम करना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि छोटी छोटी लड़ाइयों से कई बार आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, क्योंकि उन छोटी लड़ाइयों में आपको जीत हासिल होती है। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में फीस बढ़ गई, उसका विरोध करने के लिए आपकी सीवाईएसएस की और यूथ की इकाई लग गई और आपने वो कॉलेज में फीस बढ़ने की प्रक्रिया को रोक दिया तो उस इलाके में आपका नाम हो जाएगा, अखबार टीवी वाले आपको दिखाने लगेंगे, क्षेत्र की जनता के बीच में आपका नाम हो जाएगा, किसानों की कोई छोटी मोटी समस्या है उसके लिए आपने आंदोलन किया, उसमें सफलता मिल गई। मान लीजिए गेहूं की धान की खरीद हो रही है, उसमें कोई घपलेबाजी हुई, वहां आपने आंदोलन कर दिया, उसमें सफलता मिल गई। ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को हम लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा
और उसको चिन्हित करने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा, कौन कौन से वादे कांग्रेस ने किए थे और उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया। जैसे 3,500 रुपए युवाओं को पेंशन देने की घोषणा संभवतः अशोक गहलोत जी ने की थी कि नहीं की थी, पूरा किया उसको। ये अच्छा होता है जिसको हम लोग अपने हाथ में ले सकते। किसानों के कर्ज को माफ करने की उन्होंने घोषणा की थी, कर्ज माफ किया नहीं किया, उस मुद्दे को हम अपने हाथ में ले सकते। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल आज राजस्थान में खड़ा हो गया है। आज जगह जगह पे बच्चों के बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर योजनाबद्ध तरीके से हम लोग बड़ी लड़ाई कर सकते हैं। और पंचायत के चुनाव में अगर आपको जाना है तो एक चीज जो 72वें संशोधन में है, पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें लगभग 29 ऐसे सेवाएं हैं, ऐसे विभाग हैं जो पंचायती राज सिस्टम के अंदर में आएगा, वो अधिकार आज तक नहीं दिया गया। वादा वसुंधरा राजे ने भी किया, वादा अशोक गहलोत ने भी किया, लेकिन आज तक पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए गए। उसको पढ़ के डिटेल में अभी रामपाल जी और शास्त्री जी बताएंगे। उन मुद्दों को भी हम लोगों को लाज लेकर सामने आना है कि पंचायत चुनाव में हम जाएंगे, पंचायत के चुनाव अगर हम जीतेंगे तो इसको हम पूरा कराने का। तो नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव के लिए हमको क्या कहना है? हमको कहना, भाई एक सरकार आपने ऊपर मोदी जी को दे दी, एक सरकार आपने उसके नीचे गहलोत जी को दे दी, एक तीसरी सरकार है जो गांव की सरकार है, जो मोहल्ले की सरकार है, जो शहर की सरकार है, जो नगर निगम की सरकार है, जो नगर पालिका की सरकार है, उस छोटी इकाई में आप आम आदमी पार्टी को मौका दे दीजिए। हम आपको दिखाएंगे मोहल्ला स्वराज लाके, हम आपको दिखाएंगे कैसे एक व्यवस्था को लोगों से पूछकर चलाया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। उसका उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र है जो मैंने नगर निगम में वहां पर बनाया था, वो भी आप लोगों को दे दूंगा, उसको आगे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीडियो भी हमने बनाया था जिसमें शहरी क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, नगर निगमों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसको मुद्दा बनाते हुए एक 8 मिनट का वीडियो हमने बनाया है, वो भी हम लोग यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं और उसको लेकर नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में राजस्थान में जो नवंबर में होने जा रहा है उसको लेकर हम लोग जा सकते हैं। और 2-3 लक्ष्य आपको तुरंत से लेना पड़ेगा अपने हाथ में। अगर आपको चुनाव नगर पालिका का लड़ना है तो सबसे पहले शहरी क्षेत्रों के अंदर नगर की कमेटियां और वार्ड की कमेटियों का तुरंत सभी हमारे जिलाध्यक्ष और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने अपने नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में इस काम को करें। नंबर एक। दूसरा, प्रत्याशियों का चयन। अगर नवंबर में चुनाव है तो अभी से ही आपको चिन्हित करना पड़ेगा, प्रत्याशियों के चयन के काम में जुटना पड़ेगा और इसमें हमारे जिला की कमेटी और विधानसभा की कमेटी तत्काल ये काम शुरू करे कि जो लोग पिछले नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, सभासद में, नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जो लोग रहे हैं उसमें अगर कोई निर्दलीय हो तो बहुत अच्छा है। जो अच्छे वोट जिनको मिले हैं, किसी को 1,000, किसी को 500, किसी को 300, किसी को जो भी मिला होगा उसका एक खाता मैं चाहूंगा शास्त्री जी हर जिले को उपलब्ध करा दीजिएगा और उसके हिसाब से उन लोगों से आपको संपर्क करना है, उनको पार्टी में लाने का प्रयास करना है। और अगर वो तैयार होते हैं, पहली प्राथमिकता अपनी पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं उनको देनी है। अगर हमारे पास, क्योंकि हजारों की संख्या में आपको सभासद कराने पड़ेंगे, लाखों की संख्या में कितने पंचायत है, 9,891, तो उतने आपको बनाने पड़ेंगे। लोगों को खोजना ये आसान काम नहीं है, इसलिए कुछ तो आपके अपने लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे दलों और संगठनों में चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। एक एजेंडा के साथ, एक तैयारी के साथ हमको उन लोगों के बीच में जाना है। शहर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आने वाले 15-20 दिनों में पहली शुरुआती एक आंदोलन हम लोगों को 15-20 दिन के अंदर एक शुरुआती आंदोलन करना है और रामपाल जाट जी की
एक पद यात्रा पूरे राजस्थान के लिए हम लोग कई चरणों में बनाएंगे। एक साथ तो इसका करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग चरणों में, दो तीन चरणों में हम लोग 250-300 किलोमीटर का जैसा इनको सुविधा होगी उसके हिसाब से 15 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से एक यात्रा हम लोग बनाएंगे, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो। उसमें करना कुछ नहीं है, 150 लोग जो इनके साथ जाते हैं उनके लिए रहने का खाने का इंतजाम, रास्ते भर में दीवार लेखन और पोस्टर का इंतजाम, और इस बीच जिन प्रत्याशियों को आप लोग चुनाव लड़ाने योग्य समझेंगे उनका चयन आपने किया होगा, वो लोग आपके लिए काफी मददगार होंगे इस पदयात्रा में, वो भी अपना सहयोग और समर्थन उसके लिए करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर अभी 3-4 लक्ष्य आपको सामने रखना है। नंबर 1 कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में वार्डों की टीम का गठन, नगर की टीम का गठन नंबर 1। दूसरा, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर या निर्दलीय ऐसे उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में अच्छा वोट हासिल कर चुके हैं उनसे संपर्क करना और उनको पार्टी के अंदर शामिल करा के चुनाव लड़ाने के लिए सहमत करना। तीसरा काम जो रामपाल जी अड्डा जी की पद यात्रा है 2-3 चरणों में होनी है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है और उसकी एक रूपरेखा तैयार करके जो भी रूट तय होगा उसमें व्यापक तौर पे दीवार लेखन, पोस्टरिंग, ये सब काम करके इसको हम लोगों को ठीक ढंग से करना है। मेरा कुल मिलाकर यही सुझाव था। आप लोगों की जो बातें आएगी उसको मैं नोट भी करता जाऊंगा, जिन बातों का जवाब देना है उनका जवाब भी मैं यहीं पे दूंगा, और जो मैंने आपसे अनुरोध किया है मैं उम्मीद करता हूं कि उन अनुरोध का, उन बातों का आप पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब। तो अब राजस्थान में नए जोश की शुरुआत हो रही है। देखिए संजय भैया हमारे सबके साथ में है, हम हॉल में बैठे हैं, जयकारा संजय भैया को बता दीजिए उनकी बात से एक नई ऊर्जा हमें संचार हुआ है। हम तैयार हैं, है तैयार भारत माता की। हमारे बीच में हमारे बातें यहाँ पर शास्त्री जी के द्वारा कुछ प्रदेश कार्यकारिणी जो बातचीत करके या फिर जो कुछ एक आपके सामने रखने